नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद नेगी, देवभूमि उत्तराखंड से। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल आनंद नेगी ब्लॉग्स में। दोस्तों आज सुबह के बजे हुए हैं 8, करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और आज हमारे यहां पे जो है चौखटें चढ़ाई जा रही हैं, यानी दरवाजे चढ़ाए जा रहे हैं और चौखट पे दरवाजे पर भगवान श्री गणेश का वास होता है, तो इसलिए उसकी आज चौखटों की और खिड़कियों की पूजा अर्चना करनी होती है, जो कि मैं कर रहा हूं अपने पितरों का आशीर्वाद से और पितरों का नाम लेकर के, अपने इष्ट देवता का नाम लेकर के आज हम दरवाजे चढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूजा की सामग्री ले आया हूं। ये बड़ी सुपारी है और ये पूजा का सामान है, धूप बत्ती है, लड्डू ले आया भगवान श्री गणेश के लिए भोग चढ़ाने के लिए। ये हैं हमारे हेड साहब मिस्त्री जी, और वो कहाँ गए, वो मिस्त्री। और ये हमारे हेड साहब हैं मिस्त्री जी, ये अभी दरवाजे इन्होंने चढ़ा दिए ये। और वो हैं दूसरे मिस्त्री जी जो वहाँ से पाइप लेक निकाल के आ रहे हैं। तो दोस्तों करते हैं पूजा अर्चना भगवान श्री गणेश का नाम लेकर के सुबह सुबह। चलो मिस्त्री जी, और ये जो धागा है इसको मैं दरवाजे पर बांध दूंगा। तो इस तरीके से पूजा अर्चना। मिस्त्री जी लड्डू ले आओ। ये गाइस भगवान श्री गणेश की अर्चना पूजा शुरू कर दी मैंने। ये देखिए लड्डू, धूप बत्ती, सुपारी का भोग है, ये दरवाजे पर पिठाई लगा दी है। दोनों दरवाजों पर पिठाई लगा दी। और ये हैं मिस्त्री जी जो अभी धागा बांध रहे हैं। शुभ माना जाता है मिस्त्री के हाथों से दरवाजे पर भगवान श्री गणेश के लिए अर्पित किया जा रहा है। और ये दोनों दरवाजों की पूजा अर्चना कर दी गई है। और ये दूसरे मिस्त्री हैं, और ये मिस्त्री जी धागा बांध रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आज के दिन की हमने शुरुआत की है, दरवाजे खिड़कियां चढ़ाई शुरू कर दी, उनकी पूजा कर दी, भगवान श्री गणेश की पूजा हो गई और साथ में शनिदेव शनि महाराज की पूजा भी हो गई, क्योंकि शनिवार तो आज है नहीं, लेकिन कल हमारे घर में ढेर सारा लगभग 10 क्विंटल लोहा आया है खिड़की और दरवाज़ों का, तो इसलिए उनकी भी पूजा कर दी है। तो आगे आगे ब्लॉग में दिन भर क्या क्या होता मैं आपको दिखाते रहता हूँ।